वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत का दबदबा। भारत की खैरात से ही जिंदा रहेंगे पाकिस्तानी। भारत की कोरोना वैक्सीन के लिए सभी देश मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में भारत में बनी कोरोना वैक्सीन मंगाने के लिए तैयार है। कोरोना की वैक्सीन को तरस रहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए भारत में बना टीका संजीवनी बनकर उभरा है। भारत बनी वैक्सीन पाक को खैरात में मिलेगी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट में बनी कोरोना वैक्सीन की एक बड़ी खेप पाक में बिल्कुल मुफ्त भेजी जाएगी। पाकिस्तान को ये वैक्सीन कोवैक्स प्रोग्राम के तहत मिलने जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को 1,70,00,000 खुराक भेजी जाएंगी। इमरान सरकार के स्वास्थ्य मामलों के सहायक डॉक्टर फैसल सुल्तान ने घोषणा की कि फरवरी में पाक को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी मिलने जा रही है। 60,00,000 डोज की डिलीवरी मार्च तक हो जाएगी और जून तक 1,70,00,000 डोज मिल जाएंगे। दुनिया के लिए वैक्सीन देवदूत बना भारत। भारत इस वक्त 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन सप्लाई करने की योजना पर काम कर रहा है। वही 1 दर्जन से ज्यादा देशों को सप्लाई भी दे चुका है। अपने पड़ोसियों के साथ ही भारत खाड़ी देशों को भी टीके की आपूर्ति कर रहा है। ओमान को 1,00,000 टीके भेजे जा रहे हैं। इस सप्ताह के बाद अफगानिस्तान को 5,00,000 डोज भेजे जाएंगे। भारत 2,00,000 टीके की डोज निकारागुआ को, 70,000 डोज डोमिनिका, 1,00,000 डोज बारबाडोस, 1,50,000 डोज मंगोलिया को भेजेगा। मिस्र, अल्जीरिया और कुवैत ने टीके खरीद लिए हैं। ये भारत की कमर्शियल निर्यात सूची में शामिल मंगोलिया, निकारागुआ, सऊदी अरब, म्यांमार और बांग्लादेश ने भारत से टीका खरीदने के लिए करार किया है। इन देशों को भारत गिफ्ट के तौर पर मुफ्त में टीका भेज चुका है। वहीं चीन सरकार ने अपने सहयोगी देश पाकिस्तान को केवल 5,00,000 वैक्सीन मुहैया करवाई है। पाक को मिलेगी भारत की कोरोना वैक्सीन। पाकिस्तान सरकार ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की लाखों वैक्सीन के प्रति डोज के हिसाब से 6 से 7 डॉलर यानी 950 से 1,100 पाकिस्तानी रुपए का खर्च उठाने के लिए तैयार है। हालांकि यहां के स्थानीय ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर को इस बात की जानकारी नहीं है कि वैक्सीन की आपूर्ति कब तक की जा सकेगी। पाकिस्तान के बड़े वैक्सीन आयातकों ने कहा है कि हमें वैक्सीन की खेप आयात करने की अनुमति मिल चुकी है। हमने अनुमान लगाया है कि सरकार को ये 6 से 7 अमेरिकी डॉलर के बीच उपलब्ध होगा। पाकिस्तानी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने चीन के साइनोफार्म वैक्सीन को भी मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि मार्च तक इस वैक्सीन के कम से कम 10,00,000 डोज मंगा लिए जाएंगे। पाकिस्तान सरकार का लक्ष्य 70% आबादी को वैक्सीन लगाने का है। हालांकि इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन देने की हिम्मत इमरान सरकार में नहीं है, लिहाजा वो खैरात वाले कोवैक्स प्रोग्राम के आसरे है। इस प्रोग्राम पर 6 महीने पहले ही पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत पाकिस्तान की 20% आबादी के लिए उसे मुफ्त में टीका मिलेगा। मगर इमरान सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि अगर 20% से ज्यादा की आबादी को जरूरत हुई तो इमरान सरकार क्या करेगी। पाकिस्तान की इमरान सरकार पहले भी ऊपर वाले के भरोसे बैठी थी और आगे भी ऊपर वाले के भरोसे ही रहेगी। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात को लेकर इमरान सरकार की काफी किरकिरी हो चुकी है कि वो अब तक कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए कोई प्लान तक तैयार नहीं कर पाई। आर्थिक बदहाली झेल रहे पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने कोरोना पीड़ितों के लिए वैक्सीन खरीद सके। न ही पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत है कि वो भारत से कोरोना वैक्सीन गिफ्ट मांग सके। जिस तरह भारत ने कोरोना वैक्सीन गिफ्ट के रूप में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसी देशों को दी है, वैसा गिफ्ट भारत से मांगने की हिम्मत पाकिस्तान में नहीं है। चीन ने उसे बहुत मिन्नतों के बाद 5,00,000 डोज वैक्सीन दिए हैं, लेकिन एक काफी नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में तो अब ये बात उठनी शुरू हो गई है कि भारत से दुश्मनी करके उनका मुल्क कहीं का नहीं रह गया है।